200 ग्राम के करीब हमारे पास ये चावल हैं, मटर, हरी, पनीर, नमक, जीरा, कुछ काजू, हरी इलायची, दो दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, तेज पत्ता और देसी घी। देसी घी मैं डिब्बे में ही है तो उसी में से डाल दूंगी। अब सबसे पहले हम ये चावल हैं इन्हें अच्छे से धो के और 10-15 मिनट के लिए भिगो के रख देते हैं। ये देखिए मैंने चावल अच्छे से धो दिए और इनको मैं 10-15 मिनट के लिए एक साइड में रख देती हूँ। अभी कुकर ले लेते हैं, इसमें मैं डाल दूंगी 2 से 3 चम्मच देसी घी। अब हमारा घी गर्म हो गया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें अपने काजू ना थोड़ा सा तल लेते हैं, जिससे कि इसका टेस्ट ना, काजू में आजकल बरसात का टाइम है थोड़ी सी नमी हो जाती है, तो इससे थोड़ा सा हम तल लेते हैं ना, तो इससे इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और नमी का जो रहता है ना थोड़ा सा टेस्ट में वो भी नहीं आता है। बस हल्का सा हमें थोड़ा सा तलना है हमको। अब ये देखिए हमारे काजू तल गए हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। बस इतना ही हमें इनको तलना है, इससे ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे। इसी घी में हम फ्लेम कर देते हैं बिल्कुल लो और ये जो पनीर है ना इसको भी हल्का सा तल लेते हैं। अब ये देखिए हमारे पनीर भी इस तरह से हल्का सा, हमने ज़्यादा हमें नहीं तलना, हल्का हल्का तलना है। इनको भी हमें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी घी में मैं डाल देती हूँ ये इलायची छोटी वाली, एक बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, तेज पत्ता और जीरा। अब ये हमारी सब चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं, अब मैं इसमें डालूंगी एक कटोरी मटर। अब ये देखिए मटर भी हमने भून ली है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये चावल, इसमें मैंने 200 ग्राम चावल लिए थे और गिलास से मैंने नापा था तो एक गिलास चावल थे, तो उसमें हम एक गिलास और एक चौथाई गिलास मतलब 1.25 गिलास के करीब हम पानी डालेंगे इसमें और इनको डाल के इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें मैं डाल देती हूँ पानी और चावल के हिसाब से मैं डाल दूंगी नमक और इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी पनीर, काजू और एक चम्मच की मदद से इस तरह से फैला देती हूँ और इसमें बस एक सीटी हमें लगानी है, फिर हम इसकी गैस बंद कर देंगे और इसे हम तब खोलेंगे एक सीटी लगने के बाद जब इसकी सीटी अपने आप निकल जाएगी। अब हमारे कुकर में एक सीटी लग गई थी और इसकी गैस भी निकल गई है, ये देखिए। अब मैं इस कुकर को खोल लेती हूँ, ये देखिए कितना अच्छा बिल्कुल बनके तैयार हुआ है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है और इस तरह का बनाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा इजी रेसिपी लेके आती हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।